बिहार का सोनू देश के नंबर वन इंस्टीट्यूट में पढ़कर बनेगा आईएएस। कौन सा है ये इंस्टीट्यूट जिसने ली सोनू को आईएएस बनाने की जिम्मेदारी? सोनू के एडमिशन के पीछे है किसका हाथ? पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पढ़ाई की हिम्मत मांगने वाले सोनू को आखिरकार किसने इतनी हिम्मत दी? वो सोनू जिसने सोनू सूद और पूर्व अधिकारियों के ताउम्र मुफ्त शिक्षा के ऑफर को ठुकरा दिया था, उस सोनू ने किसके कहने पर और कहां दाखिला लिया? वो कहावत तो सुनी होगी आपने, जहां चाहा वहां रहा। बिहार के वायरल बॉय कहे जाने वाले सोनू की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। तभी तो सैनिक स्कूल में पढ़ने की चाह रखने वाले सोनू को अब एरन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर भविष्य में आईएएस बनने के लिए पढ़ाई वो करेगा, और बकायदा इसके लिए वो इंस्टीट्यूट में दाखिला ले चुका है और वहां पढ़कर अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहता है। इस इंस्टीट्यूट की खासियत क्या है और क्यों सोनू ने इसी इंस्टीट्यूट को चुना? वो भी तब जब बड़े बड़े नेता और पूर्व अधिकारी सोनू को बड़े से बड़े स्कूल में ताउम्र पढ़ाई का खर्चा उठाने तक के लिए तैयार थे। अब बताएंगे आपको, मगर इस रिपोर्ट को वो लोग जरूर देखें जो सोनू की मंशा पर शक जता रहे थे। वो पूछ रहे थे कि जब सोनू को आईएएस बनना था तो फिर सैनिक स्कूल की जिद क्यों थामे हुए था? लेकिन सोनू तो सोनू ही निकला, तभी तो उसने इस बात पर कम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दिया। सोनू के सपनों को उड़ान देने के लिए उसे ये मौका दिया है एलन इंस्टीट्यूट के फाउंडर ब्रजेश माहेश्वरी ने। दरअसल सोनू को पढ़ाते हुए उसका वायरल वीडियो देखा, जिसे देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपने मैनेजर से कहकर सोनू के चाचा से संपर्क किया और उनसे कहकर सोनू को राजस्थान के कोटा बुला लिया और सोनू के दाखिले की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। सोनू ने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया जो सोनू के चाचा को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि सोनू के चाचा विधायकी के टिकट लेकर सोनू को उसी के हाल पर छोड़ देंगे, तो जान लीजिए उन आरोपों पर सोनू ने क्या जवाब दिया। सोनू ने कहा कि मेरे चाचा पर लोगों ने जो भी आरोप लगाए वो बेबुनियाद थे। उसने आगे ये भी कहा कि मेरा एडमिशन कोटा में हो गया, मैं अपना दाखिला कराने अपने चाचा के साथ ही गया था और उन्होंने पहले से लेकर अब तक मेरी पूरी मदद की। सोनू ये भी बताता है, मेरे चाचा के पास कई विकल्प थे लेकिन उन्होंने मेरे लिए एलन इंस्टीट्यूट को ही चुना जो सबसे बेहतर समझा गया, जहां से मैं भविष्य का आईएएस बन सकूंगा। अब दो सवाल और छूट गए जो आपके जहन में भी होंगे कि सोनू की पढ़ाई पर कितना खर्च आएगा, और सवाल ये भी कि आखिर सोनू को क्यों रास आया यही इंस्टीट्यूट। पहले सवाल का जवाब जान लीजिए कि कितना खर्च आएगा सोनू की पढ़ाई पर। सोनू का एडमिशन छठी क्लास में हुआ है, जिसका खर्च 30,000 रुपए सालाना होगा, जो कि सोनू के लिए एक बड़ी रकम है। लेकिन ये खर्चा ब्रजेश माहेश्वरी ही अपने कंधे पर ले चुके हैं, यानी ये वही सोनू है जिसने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और सोनू सूद की मदद तक को ठुकरा दिया था। लेकिन उसको क्यों पसंद आया एलन इंस्टीट्यूट, चलिए अब ये भी जान लीजिए कि सोनू को क्यों रास आया ये इंस्टीट्यूट। 40 साल पुराने इस इंस्टीट्यूट की एक खासियत है कि देश के लाखों इंजीनियर और डॉक्टर्स के साथ साथ सैकड़ों आईएएस ऑफिसर भी इसी इंस्टीट्यूट के लिए। ये एक मिसाल है, आनंद पुनिया जो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं, कहने वाले कहते हैं उनकी भी यही कहानी है जो सोनू की है, यानी कि सोनू से मिलती जुलती है उनकी कहानी। वो भी बहुत गरीब परिवार से आते थे लेकिन दिल में जुनून था कुछ कर दिखाने का, वो करके दिखा दिया। खैर अब आने वाला वक्त ही गवाही देगा कि सोनू देश का नाम रोशन करेगा या फिर कोई नया इतिहास लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।